हेलो फ्रेंड्स, हम एक और सवाल ले लेते हैं लाभ और हानि से संबंधित। इस किस्म के सवाल आरआरबी और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, आसान होते हैं। आप थोड़ी सी सूझबूझ के साथ इन्हें आसानी से बना लेंगे। आइए सवाल ले लेते हैं। सवाल है, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था, 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था? पहला टिप मैं ये देना चाहूंगा कि हमेशा ये देखें कि क्या चीज पूछा है, कितने में बेचना था नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा कितने रुपए अधिक में बेचना था। दूसरी टिप मैं देना चाहूंगा कि आप हमेशा प्राइम नंबर से सावधान रहें। प्राइम नंबर क्वेश्चन सेट करने वाले के लिए बहुत प्यारे होते हैं। हर क्वेश्चन में एक प्राइम नंबर आ जाता है। आप देखिए नंबर यहाँ पे है 3420, 3420 देख करके मुझे लग रहा है कि किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगी। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं चालू करता हूँ ये मान करके कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए मेरे पास है, 43% अगर मैं नुकसान से बेचता कोई चीज को तो 57 रुपए में बेचता, मतलब 100 में से 43 घटाता तो 57 रुपए आता, 57। और अगर मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए होता, 10% प्रॉफिट चाहिए होता तो मैं 110 रुपए में बेचता। मतलब अगर मेरे को 10% प्रॉफिट चाहिए होता तो 57 रुपए में न बेच करके 110 रुपए में बेचता। इसका मतलब है 57 के बदला 53 रुपये ज़्यादा में बेचता। और सवाल में पूछा है, दिया हुआ है 43% नुकसान में 3420 होता है और 10% प्रॉफिट में क्या बोलना, ये तो नहीं पूछा उसने, पूछा कि 10 रुपये प्रॉफिट होने से उसे कितने रुपए ज़्यादा में बेचना चाहिए था। सवाल ये है, तो ये सारे रेशियो 57/3420, 53/, ये सारे रेशियो जो हैं एक ही रेशियो में रहेंगे जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो मान लेता हूं कि एक्स रुपए ज्यादा में बेचता है तो x/53 इज इक्वल टू 3420/57। 57 19 का फैक्टर है, ध्यान रखना, मैं पहले ही कर रहा था कि 19 कोई प्राइम नंबर आएगी। x/53 3420/57 3420/57, मैं पहले इसको 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर लूंगा तो 1140/19 आ जाएगा। फिर 19 को 6 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 114 आ जाएगा। सॉल्व करूंगा मैं तो 3118 रुपये ज्यादा में बेचना चाहिए था, यही इसका सही जवाब है। जवाब भी देख लेते हैं यहाँ पे, 3118 सही जवाब है, पहले दिया ही हुआ था लेकिन यहां तक पहुंचना कैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस किस्म के सवालों में आपको रेशियो बिठाना आना चाहिए, प्राइम नंबर से सावधान रहें, पूछा क्या गया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में बताएं और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।